फिर झांसी एसएसपी के यहाँ ये महिला पीड़ित आई हुई है बरुआ सागर से, जो कि पार्षद ने बताया जा रहा है कि आरोप सीधे सीधे जो अम्मा लगाने की, पार्षद ने बीरू रायगवान नाम है ये पार्षद, दबंग है, ये बता रही अम्मा क्या वो है कि आकर के खूब पीटो मारो, इनके बचकानी को मारो, इनकी सूजी फूजी पड़ी आंखें, आखिरकार कहा मारो, पुलिस को तो सुनवाई करने नहीं है क्योंकि अनेक ऐसे मामला आ रहा है। परसों हमने खबर छापी थी 7 साल से महिला को अपनी बलात्कार कराता रहा है एक युवक, बाको भी कार्रवाई अभी तक नहीं भाई। अम्मा जो बताओ बरुआ सागर की हो? बरुआ सागर की कहा है पूरी पंचायत बताओ? पूरी पंचायत है जा कह रहे थे तो हम तो मार के धमकी दे रहे, हमारे लड़का है एक साथ मोड़ी पे, मेरा लड़का है ये, जा कह रहे कि इसको मानना है मुझे, कोई हालत से मारेगा चाहे थाने ने पढ़ ले, चाहे कचहरी ने पढ़ ले, चाहे कोर्ट ने पढ़ ले, चाहे उते कितने लगा पुरानी रंजन से गए मतलब में पुरानी पहला 4 महीना पहला जे ऐसे ऐसे दारू मार दे जे झगड़ गए थे, सुबह हमने ऐसे रफा दफा कर दिया था, तो वो पुराना केस भी उनने वही बदला भी अबे ले रहा है। किन सजा बुला दो जो बीरू के बीरू ने हाथ पकड़े है, बीरू की लुगाई ने हमारे लड़का को मार रहे थे, हम इसके ऐसे लूट गए इसके ऊपर, उसने ऐसा पटका है जो बेल्टों से उसने मारा है, देखो और बताओ बेल्टों से इसने मारा हमारे लड़का को ऊपर खदरा है। वो है जो पार्षद बता रहे थे, तुम पार्षद है कौन वार्ड की है? जे जाने वार्ड नंबर के हैं। और जे हमारे लड़कों को अगल बगल में धमकी देते हैं, सब लोग एक है की मैं माँ और लड़के एक तरफ है, गरीब पार्टी है मेरी, उसकी पैसे वाली सट्टा खेलते हैं जी, खिलवाते हैं जुगा खिलवाते हैं, 100 पे 10% ब्याज लेते हैं, उसको का तो मेरे लाख नहीं है जी, मेरे लाख नहीं है, तुम तो नीचे गिरोगे, गरीब आदमी तुम्हारी सुनाई नहीं होगी। तुम बताओ कहाँ थी पूरी घटना विस्तार से? हमारे बाहर से, हम दिल्ली में गुड़गावा में रहते हैं, बाहर से आए तो मेरी फैमिली तारीख लगी है कोर्ट में, तो एक इसने मेरे फोन पे भी कॉल किया है, मिस कॉल अभी भी चढ़ी है, मैं कॉल इसका उठाता नहीं, ये आया ये में पैसे हार के मेरे से बोला शराब के लिए पैसे दो, मैंने बोल दिया मैं पैसे लेके नहीं आया हूँ, तो इसने फोन करके 15-20 लड़कों को बुलाया, 112 पे कॉल किया, पुलिस मेरे को और उसको लेके गई है, बाद में थाने में राजीनामा करवाया पुलिस वालों ने, राजीनामा होने के बाद भी फिर बाजार से मैं और मेरी माँ घर पे जा रही थी, बाजार में कम से कम उसने 20-25 लड़कों को फोन करके बुलाया, बहुत मारा है, कई तरह चोटें आई हम लोगों को, अभी भी सिर में बहुत चोट आ रखी है, हम अभी भी आंख पूरा रेड पड़ा है मेरा। काम तो साफ करने गया थाने में, थाने वाले भगा रहे हैं, थाने वाले मैडम कह रहे हैं क्यों आती है जब इनको बंद की जा, दो ही पार्टी बंद की जा, वे थाने वाले मेरी सुनाई नहीं कर रहे, ये अलग बोल रहे हैं, थाने वाले ये अलग बोल रहे हैं तुम्हें तुम्हारे लड़के को बंद कर देंगे, कोई सा कर रहा केस लगा के बंद कर देंगे तुम्हारे लड़के, तुम्हें यहाँ सुनवाई ना हुई तो फिर क्या करो तुम्हें, हमारी सुनवाई ना हुई है, हम तो मारे थे याद आला था, मानने नहीं है हमारी कोई सुनाई, हम तो गरीब मानने नहीं है, सुने बोले हमें विश्वास तो यह है सर, मेरी लड़का 4-8 दिन है घर में सब्जी रोटी नहीं खा पा रहा, मेरे लड़का भूखे प्यासे घर में डरे हमारे, तो अभी हम सुख से नहीं रह पा रहे, दवा ले अभी नहीं जा पा रहे, हम बजा रहे इतने सता रहे, बेजान दस 15 जने, जहाँ माँ और बाप, माँ और लड़का, हमारा 7 लड़की पे 1 लड़का है, हमारा उस पे जाना मोल चाबी है, इतने रहते भी नहीं है, बोलाते हैं दिल्ली गाड़ी चलाते हैं। अब ऐसे लोगों की को करे मदद, क्योंकि जो इतने पीड़ित है कि आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा हो कि आकर कर बरुआ सागर के पार्षद हैं बीरू रायगवार जो नाम बता रहे, इतनी दबंगिया है कि इन्हें घर से बाहर नहीं जाने पड़ रहा, इन्हें नाच पानी तक नहीं जा पा रहा है, जब आकर कर कैसे हुई है सुनवा, जो भूपन मारने में साफ पास है वो आकर कर पुलिस प्रशासन को मदद करना चाहिए ऐसे लोगों को, मशक दिया था तो हम इसके लिए तब हम हमारी बोलती बंद हो जाते रात में, ऐसे अपराधियों को कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार।